हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पॉजिटिविटी में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक इस मस्टर्ड केक को लेकर है। ये इस तरीके से दिखता, आप देख सकते हैं, और ये मैंने जो पीस के रखा हुआ वो इस तरह पाउडर फॉर्म में दिखता है। तो आज का मेरा टॉपिक इस मस्टर्ड केक के ऊपर ही है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि ये मिलेगा कहाँ पे। ये आपको सरसों का जहाँ ऑयल निकलता है उस पे आसानी से मिल जाएगा। आप इसे फर्टिलाइज़र वाली शॉप पे ना देखें, क्योंकि ये मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम ज़रूर करता है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र वाले इसको रखते नहीं हैं। क्योंकि इसमें से 30% ऑयल निकलने के बाद कुछ इस तरीके का ये दिखता है। तो और 20 या 30 रुपये पर किलो के हिसाब से हमें आसानी से मिल जाता है। इसकी बेस्ट बात यही है कि ये बहुत सस्ता होता है, और सस्ते होने के साथ साथ ये अपने जितने भी फूल फल वाले प्लांट होते हैं उसमें एक मिरेकल का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे एनपीके खाद होते हैं उनसे भी मैं तो बेस्ट इसको ही मानती हूँ, क्योंकि एनपीके खाद देखा जाए तो वो सबसे बेस्ट मानते हैं। तो उससे ऊपर ये वाला फर्टिलाइज़र है आपको, क्योंकि इसमें एनपीके सारे रेशोस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक भी है और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, सारे अपने को तत्व इसमें मिल जाएंगे देखने को। तो ये इसको मैं बेस्ट मानती हूँ। तो चलते हैं अपने इसके टॉपिक की तरफ कि हमें इसे बनाना कैसे है, इसका कैसा यूज़ करना है और क्या क्या सावधानी रखना है। तो देखते हैं, अब मैं इसको बताती हूँ कि बनाना इसको कैसे है, किस प्रकार के हमें बर्तन में बनाना है और इसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा ये चुनाव होगा कि हम मिट्टी का बर्तन लें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जब इसे बनाएंगे तो इसकी फर्मेंटेड जो क्रिया होगी वो बहुत तेज़ होगी, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन में छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उसकी वजह से इसकी फर्मेंट होने की क्रिया बहुत तेज़ हो जाती और इसमें बनाना ही हमें बेस्ट माना जाता है। सेकंड मैं कहूँगी कि इस तरह की बकेट में बनाइए, मेरा तो बना हुआ भी रखा है, मैं अभी इसे दूँगी। तो बनाने का तो ये हो गया, इसे हमें किस प्रकार के बर्तन में बनाना है और इसकी अब देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये जो इस तरीके का जो मस्टर्ड केक दिख रहा है, इसे आप 1 किलो ले लीजिए इस तरीके का। और 1 किलो लेने के बाद इस मटके में आप डाल दीजिए, और इसके बाद आप इसमें 10 लीटर पानी डाल दीजिए। कितना लेना है, 1 किलो ये और 10 लीटर पानी इसमें भर के रख दीजिए, और ढक के और किसी अच्छी छायादार वाली जगह पे इसको रख दीजिए। और इसको बनाने से पहले कुछ सावधानी ये भी है कि इसको जब आप बनाएं लेकर आएं बाज़ार से, तो आप इसे 1 दिन की धूप दिखा लें, क्योंकि ये इस तरीके की इसमें आवाज़ आनी चाहिए टूटने पे तो ठीक है। बाकी अगर आप इसे जब मॉइस्ट वगैरह रहेगा और आप अगर इसको बना लिया तो थोड़ा सा प्लांट में खतरा वगैरह जैसे फंगस वंगस आ जाए, इसलिए इसको सुखा लें, 1 दिन की धूप दिखा दें, फिर उसके बाद ही आप बनाएं। तो इसको बनाने के लिए आप इसे छायादार जगह पर रख दें। फिर देखते हैं हम इसे कितने दिन के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है। जब अगर आपके यहाँ गर्मी का मौसम है, जैसे गर्मी ठंड, तो हमें किस मौसम में कैसा बनाना चाहिए, तो गर्मी के दिनों में आप इसे 4 दिन में आपका बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ठंड में बनाना तो ठंड में आपको पूरा एक हफ्ते के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता तो इसकी आप स्मेल देख लीजिए, बहुत गंदी स्मेल आती है, इससे आपको पता चल जाएगा ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और फर्मेंट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा तो बना हुआ भी रखा है, आप देख सकते हैं, अभी मैं इसे दूंगी, कुछ दिन बाद इसे दूंगी। और इसे हम कितने दिन के लिए बना के रख सकते हैं, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा इसको उपयोग ना करें, क्योंकि फिर इसमें क्या रहता है, इसके ऊपर वो फंगस आ जाती है तो वो सही नहीं रहता है। और तो ये तो मैंने अपना मेजरमेंट बताया कि 1 किलो के हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि मेरे पास प्लांट ज़्यादा है। अगर आपके पास प्लांट कम है
तो आप उस हिसाब से अपना कम या ज़्यादा बना सकते हैं। कम बनाना है तो कम बनाइए, ज़्यादा बनाना तो ज़्यादा बनाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बना लेंगे तो फिर वो, अगर आपके पास प्लांट कम है तो वो आपका जो फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा वो उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको फेंकना पड़ेगा। तो देखिए आप अपने हिसाब से बना लेना। तो इसको कैसे यूज़ करना और क्या सावधानी रखना है मैं आपको भी बता देती हूँ, कि आपका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ, कि आप सबसे पहले किसी भी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को, ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र है, ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र है, इसको देने से पहले हमें इन प्लांट में क्या सावधानी रखना है, इनको 1 या 2 दिन के लिए हमें इसकी मिट्टी को इस तरह से ड्राई कर लेना। आपको दिख रही होगी ये ड्राई, मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, तो इसको ड्राई करना। मोस्ट या कीचड़ जैसी वो ऊपर से पानी दे देते हैं, तो उसमें इस फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें ऐसे कर देंगे, गीली मिट्टी है और फिर वो वाला फर्टिलाइज़र डाल दिया, तो फिर फंगस लग जाएगी आपके। तो ये सावधानी हो गई। दूसरी सावधानी क्या है कि आप जब भी ये, मैंने बना के रखा है, इसको बनाना कैसे आप ये देख लीजिए। पहले मैंने ये एक मग लिया है, फर्टिलाइज़र है मेरा, और इसको मैं 10 10 मग पानी, मतलब इसका डबल मैंने पानी लिया है, बस इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इस तरीके से ये मेरा बन गया है। आप देख सकते हैं ये मेरा, मतलब मैंने मेजरमेंट मेरा 1 मग ये और 10 10 मग पानी, मतलब इससे 10 गुना पानी लिया है, और इस तरीके का मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो सेकंड सावधानी हमें ये रखना है कि जब भी हम इस फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र को दें, तो इसकी जो स्टेम है, लीफ है, इन पे ना जाए, बिल्कुल ये मिट्टी की जो सतह होती है बिल्कुल आराम से डालें, और मिट्टी की सतह पर ही ये फर्टिलाइज़र इस तरीके से हमें देना होगा। बिल्कुल भी आप ध्यान रखें कि ये इन पे ना जाए, क्योंकि अगर इधर चला गया, पत्तों पे चला गया या स्टेम पे, तो फिर पत्ते ख़राब हो जाते हैं, पीले पड़ जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना है। और कितना देना है ये तो मैंने अभी लगभग आपको बताया नहीं, बस आपको 100 ml के लगभग देना है, या मैं मग से दिखा देती हूँ, इतना ही मैंने अभी दिया है इस प्लांट को, ये 100 ml के बराबर होगा। मेरे को तो मेजरमेंट पता है क्योंकि मैं देती रहती हूँ। और ये ड्राई फॉर्म में कैसे देना है इसका भी बता देती हूँ, कि ड्राई फॉर्म में आप जब भी दें तो आप थोड़ी सी अपने पौधे के आसपास ये गुड़ाई कर लीजिए, आप ऐसे थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद, और थोड़ी गुड़ाई हो जाएगी तो ये सही बैठ जाएगा। बस आपको ऐसे 2 चुटकी, मतलब आप समझो 2 चम्मच खाने वाली, 10 से 12 इंच के पॉट में, बस इतना दे के और आप पानी दे दीजिए। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस यही सावधानी है कि इसकी रूट पे ना जाए, और इस पे ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका स्प्रे कभी ना करें भूल कर भी। अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो पूरा प्लांट जो है आपका जल जाएगा। तो यही थी मेरी आज की सावधानी, मैंने इसके यूजेस भी बताए, इसे बनाना कैसे ये भी बताया, और आप मान के चलिए ये जो फर्टिलाइज़र है विंटर वाले पौधों के लिए तो है ही बेस्ट, बाकी ये गर्मी के लिए भी बहुत बेस्ट है। और बस आपको इसे थोड़ा सा बरसात के दिनों में अवॉइड करना होगा, बरसात में इस फर्टिलाइज़र को ना दें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बरसात में इस फर्टिलाइज़र को ना दें, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसका बताऊंगी कि बरसात के दिनों में इस फर्टिलाइज़र को क्यों ना दें। तो बस गर्मी और ठंड में, ये ठंड में तो आप समझ लो आपके प्लांट के लिए मिरेकल का काम करने वाला है। मेरे प्लांट में तो अभी वर्ड्स भी बनना, आप देख सकते हैं इसका साइज कितना छोटा, और अभी सभी में वर्ड्स भी बन गई हैं। तो बस यही है आज का वीडियो। तो अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपको इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र ये तो मेरे कल का काम करने ही वाला हो, और आपके प्लांटों में भर भर के फूल आने वाले हैं, तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो धन्यवाद।